Good morning, students. This is your English class. Today in this class, we are going to study chapter 5.3 of unit 5 in your English literature book. Before going to study the main topic that is given in chapter 5.3 of unit 5, we have to study the starter windows that is given in page number 125 in your English literature book. So students, let's open this page number 125 in your English literature book. See, on the top of the page there is unit 5, and there is chapter 5.3. the topic is here, the yellow stars. Okay, so let's start read. Stars are like flowers in the meadows of heaven. When we look at them, we often think of some loving souls that are no longer with us, but who we never forget. Have you ever experienced some such thing in your life? So let's see the meaning. Stars are like flowers in the meadows of heaven. Stars flowers jaise hote hai meadows of heaven mein. Okay, heaven ke meadows mein stars flowers jaise hai. When we look at them, we often think of some loving souls that are no longer with us, but who we never forget. Jab hum stars ke taraf dekhte hai, tab hum sochte hai aise kuch loving souls ke bare mein, jo souls abhi hamare saath nahi hai, but usi souls ko hum abhi tak bhool nahi paaye. है ना, जब हम स्टार्स को देखते हैं, तब हम ऐसे कुछ लविंग सोल्स के बारे में, ऐसे कुछ लविंग पर्संस के बारे में सोचते हैं जो पर्संस हमारे साथ नहीं है अभी, बट उस पर्सन का जो यादें हैं वो हमारे साथ है, हम नहीं भूल पाए हैं, है ना. हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड सम सच थिंग इन योर लाइफ? आप आपके लाइफ में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किए हो क्या? सो स्टूडेंट्स, नाउ ओपन पेज नंबर 141 इन योर इंग्लिश लिटरेचर बुक. सी ऑन द टॉप ऑफ द पेज देयर इज चैप्टर 5.3 ऑफ यूनिट 5. द टॉपिक इज हियर द योलो स्टार्स. ओके, लेट्स स्टार्ट रीड. द नाजीज अंडर द लीडरशिप ऑफ एडोल्फ हिटलर रूल्ड जर्मनी from 1933 to 1945. Okay, the Nazis under the leadership of Adolf Hitler ruled Germany from 1933 to 1945. Okay, Nazis ko leadership karte the Adolf Hitler, jinhone Germany ko rule karte the 1933 से 1945 साल तक. दे हेटेड द ज्यूज एंड ट्रीटेड देम वेरी क्रूएली. इन लोग ज्यूज को बहुत हेट करते थे और उन लोगों को बहुत क्रूएली ट्रीट करते थे. हिटलर केप्ट मिलियंस ऑफ ज्यूज एज प्रिजनर्स इन डेथ कैंप्स वेयर दे वेयर बीटन मर्सीलेसली लाइक एनिमल्स and starved to death. Hitler millions of Jews को prison में रखे थे death camps में, और उस prison में Jews लोगों को mercilessly animal जैसे beat किया गया था, है ना, मारा गया था, और बहुत सारे लोग उधर मर गए थे. This story is a tribute to one such unfortunate soul. ये जो story इधर दिया गया है ऐसे एक unfortunate soul के बारे में है. Okay? One soft summer night, grandma and I sat on the porch swing. एक soft summer night में मैं और मेरे grandma porch swing में
बैठे थे. वी वेयर सिंपली स्विंगिंग लेग्स हैंगिंग फ्री वाइल द जेंटल ब्रीज रफल्ड आवर हेयर. ओके, रफल मीन्स डिस्टर्ब द स्मूथ सरफेस ऑफ समथिंग सो दैट इट इज नो लॉन्गर इवन, है ना. किसी स्मूथ सरफेस को डिस्टर्ब करना होता है, वो बोल रही हूं मैं इधर. सो मैं और मेरे ग्रैंडमा, है ना, मैं और मेरे ग्रैंडमा उस स्विंग पर बैठे थे. हम सिंपली स्विंगिंग कर रहे थे और लेग्स को हैंगिंग करके बैठे थे हम. उस टाइम एक जेंटल ब्रीज, है ना, एक जेंटल ब्रीज आके, जेंटल ब्रीज मीन्स स्मूथ एयर, यू कैन से स्मूथ विंड, है ना, थोड़ा सा विंड आके हमारे जो बाल है ना उसको थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया था. ओके, जैसे होता है आप जानते हो. व्हेन आई लुक्ड अप एट द स्काई आई सॉ देयर द फर्स्ट स्टार ऑफ इवनिंग. ओके, द फर्स्ट स्टार ऑफ इवनिंग मीन्स द इवनिंग स्टार वीनस सीन इन द वेस्टर्न स्काई आफ्टर द सन हैज सेट, है ना. वेस्टर्न स्काई में इवनिंग स्टार वीनस दिखता है सनसेट होने के बाद. ओके, सो व्हेन आई लुक्ड अप एट द स्काई, जब हम स्काई की तरफ, जब मैं स्काई की तरफ देखी थी, मैं उधर देखी थी फर्स्ट इवनिंग स्टार को, वीनस को. आई स्क्वीज्ड ग्रैंडमास आर्म एंड मेड अ साइलेंट फेस. मैं ग्रैंडमा का जो हाथ है उसको पकड़ी थी और एक साइलेंट वेस की थी. इट इज अ बिलीफ अमंग मोस्ट क्रिश्चियंस दैट इफ यू लुक एट द फर्स्ट स्टार ऑफ इवनिंग एंड मेक अ वेस, इट ऑलवेज कम्स ट्रू. क्रिश्चियंस के बीच में ऐसा एक बिलीफ है कि इवनिंग का जो फर्स्ट स्टार है, जो सनसेट के बाद दिखता है, उस स्टार को देख के आप कुछ विश करोगे तो वो विश आपका पूरी होगा, वो सच होगा. ग्रैंडमा लुक्ड अप एंड स्माइल स्लोली. ग्रैंडमा भी देखे थे और स्लोली उन्होंने हंस रहे थे. बट देयर वॉज समथिंग इन हर आईज दैट वॉज नॉट स्माइलिंग. बट ग्रैंडमा के आंखों में ऐसा कुछ था जो स्माइल नहीं कर रहा था. नाउ ओपन पेज नंबर 142 एंड स्टार्ट रीड फ्रॉम द टॉप ऑफ द पेज. व्हाट इज इट ग्रैंडमा, आई सेड लविंगली. मैं प्यार से ग्रैंडमा को पूछ रही थी कि ग्रैंडमा ये क्या है, व्हाट इज द मैटर, क्या हुआ है ग्रैंडमा. ग्रैंडमा गेज्ड बैक एट द स्टार, ड्रू अ लॉन्ग ब्रीथ एंड साइड. आई वॉज जस्ट रिमेम्बरिंग एन. गेज मीन्स लुक स्टेडीली एट समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम इन सरप्राइज. सरप्राइज में किसी थिंग के ऊपर स्टेडी लुक रखना, उसको गेज बोलते हैं, ठीक है. उसके बाद ग्रैंडमा एक स्टार के तरफ स्टेडीली देख रहे थे और एक लॉन्ग ब्रीथ छोड़े थे और साई करके बोल रहे थे कि आई वॉज जस्ट रिमेम्बरिंग एन. मैं एन को याद कर रही थी, है ना. ग्रैंडमा बोल रही थी कि मैं एन को याद कर रही थी. उन्होंने एक स्टार के तरफ स्टेडीली देख रहे थे और एक लॉन्ग ब्रीथ छोड़े थे, साई करके बोले थे कि मैं एन के बारे में सोच रही थी, एन को याद कर रही थी. एन इज सी वन ऑफ योर फ्रेंड्स, आई आस्क्ड. ये सुनकर मैं ग्रैंडमा को पूछी थी कि एन वो आपके कोई फ्रेंड है क्या. ग्रैंडमा टूक माई हैंड इन हर्स. ये सुनकर ग्रैंडमा
मेरा हाथ पकड़ लिए थे. हर स्किन वॉज कूल एंड फॉर्म. उनका जो स्किन है वो कूल है एंड फॉर्म है ना. हर आईज लुक्ड एट मी. उन्होंने मेरे तरफ देख रहे थे. बट सीम्ड टू फोकस ऑन समथिंग और समवन फॉर बियॉन्ड. बट उन्होंने मेरे तरफ देख रहे थे. बट ऐसे किसी पर्सन के बारे में सोच रहे थे जो कि अभी उनके साथ नहीं है. एंड सी सेड एंड हर वॉइस कॉट फॉर अ मोमेंट. कॉट मीन्स बीकेम स्टक अनेबल टू स्पीक. ओके बीकेम स्टक अनेबल टू स्पीक. ग्रैंड मा बोल रहे थे कि एन. उसके बाद उनका जो वॉयस है वो स्टाक हो गए थे. उनका जो वॉयस है वो स्टाक हो गया था. उन्होंने कुछ नहीं बोल पा रहे थे. उन्होंने बहुत दुख फील कर रहे थे उस टाइम. इसीलिए एन वॉज माई बेस्ट फ्रेंड. एन मेरा बेस्ट फ्रेंड थी. इट वॉज इन दैट ओल्ड कंट्री ऑफ आवर्स. ये हमारे ओल्ड कंट्री का बात है. वी वेयर वेरी यंग देन. उस टाइम हम बहुत ही यंग थे. आई रिमेम्बर हर थिक ब्राउन हेयर एंड बिग ब्राउन आईज. मेरे को याद है एन का थिक ब्राउन हेयर बिग ब्राउन आईज को. यू शुड हैव हर्ड हाउ वी यूज्ड टू गीगल. गीगल मीन्स लव इन अ सिली वे फीलिंग अम्यूज्ड. ठीक है. यू शुड हैव हर्ड. आप सुने होंगे कि हम कैसे फन करते थे, हंसते थे, मजा करते थे, है ना. जैसे कि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे इसीलिए. देन ग्रैंडमा स्टॉप्ड. उसके बाद ग्रैंडमा बोलना बंद कर दिए थे. अ बिग टीयर स्लिड डाउन हर चीक. और उनके आंखों से आंसू बह रहा था. ग्रैंडमा व्हाट हैपेंड. आई सेड वेयर इज एन नाउ. मैं ग्रैंडमा को बोली थी कि ग्रैंडमा क्या हुआ है, अभी वो एन कहाँ पर है. आई सर्च्ड हर फेस फॉर एन आंसर. मैं उनके तरफ देख रही थी उनके आंसर के लिए, है ना. उन्होंने क्या आंसर देते हैं, इसीलिए मैं ग्रैंड माँ के फेस के तरफ देख रही थी. आई हैड नेवर सीन हर लाइक दिस. मैं कभी भी ग्रैंड माँ को ऐसे सिचुएशन में, ऐसे दुख में नहीं देखी थी. Grandma came to America from France during World War II. Grandma America आए थे फ्रांस से वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम. जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था ना, उस टाइम Grandma फ्रांस से अमेरिका आए थे. She often spoke lovingly about her mother and father. But she seldom said anything else. Grandma अपने मम्मी एंड पापा के बारे में बहुत प्यारी सी बातें करते हैं, है ना. बट उन्होंने कभी ऐसे नहीं बोलते हैं. Grandma, where is Ann? मैं ग्रैंडमा को पूछ रही थी कि एन कहाँ पर है. एन सी सेड आई डोंट नो वेयर एन इज. द लास्ट टाइम आई सॉ हर. ग्रैंडमा बोल रहे थे कि एन मैं नहीं जानती हूँ अभी एन कहाँ पर है. मैं उसको लास्ट टाइम देखी थी. ग्रैंडमा स्टॉप्ड अगेन. उसके बाद ग्रैंडमा फिर बोलना बंद कर दिए थे. सी लुक्ड अप अगेन एट दैट योलो स्टार इन द स्काई. उन्होंने स्काई में जो योलो स्टार है उसके तरफ देख रही थी. सी स्क्वीज्ड माई हैंड. उसके बाद उन्होंने मेरा जो हैंड है, हाथ है, उसको पकड़ लिए थे. एन वॉज वियरिंग अ योलो स्टार ऑन हर कोट. ग्रैंडमा रिकॉल्ड. ग्रैंडमा बोल रही थी कि एन उसके कोट में एक योलो स्टार पहनी थी, लगाई थी. एन्स पेरेंट्स वेर ज्यूज. एन के जो मम्मी पापा थे उन लोग ज्यूज थे.
When the Nazi soldiers occupied France, all the Jews had to wear yellow stars. जब Nazi soldiers France को occupy किए थे, उस time सारे Jews को अपने dress में yellow stars पहनना compulsory रहता था. Anne's mother had sewn the star to Anne's coat. इसीलिए Anne के मम्मी उसके coat में एक yellow star लगा दिए थे. When I asked if I could have one too, she said, stars belong in the sky. जब मैं एन को बोल रही थी कि काश मेरे कोट में भी ऐसे एक स्टार लगा हुआ रहता, ये सुनकर एन बोल रही थी कि स्टार्स तो स्काई से बिलोंग करती है ना? स्टार्स तो स्काई से बिलोंग करता है. देखो, belong in, to have the proper qualities or qualifications to be the member of a group. ठीक है? When people take them down, they have trouble near them. जब लोग stars को अपने पास लेके आते हैं, तब उन लोग trouble में फंस जाते हैं. है ना? इसीलिए स्टार्स को तो हमेशा स्काई में रहना चाहिए. जब लोग उस स्टार्स को अपने पास लेके आते हैं या लेके आना चाहते हैं, तब वो लोग ट्रैवल में फंस जाते हैं. आई डिड नॉट अंडरस्टैंड देन, उसकी ये बात मैं उस टाइम नहीं समझ पाई थी. आई डोंट रियली अंडरस्टैंड इवन टूडे, मैं आज भी वो बात नहीं समझ पाती हूँ. Grandma sighed and squeezed my hand. Grandma एक deep breath लिए थे और मेरे हाथ को पकड़े थे. Now see page number 143 and start read from the top of the page. Again she continued. फिर उन्होंने बोल रहे थे. It was not long after that. उसके बाद ज्यादा time नहीं. One day the soldiers started taking away everyone who wear a yellow star. उसके बाद ज्यादा दिन नहीं गया था, एक दिन soldiers आकर उन लोगों को लेके गए थे जिन लोगों के dress में yellow star था. They were taken to camps. उन लोगों को camps में लेके गए थे. We started a new life here. हम इधर एक न्यू लाइफ स्टार्ट कर दिए थे. बट द सोल्जर्स हैड टेकन एन एंड हर फैमिली. बट सोल्जर्स आकर एन को और उसके मम्मी पापा को लेके गए थे. आई नेवर सॉ हर अगेन. उसके बाद मैं एन को कभी नहीं देखी. आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हर. मैं नहीं जानती हूँ कि एन के साथ उसके फैमिली के साथ क्या हुआ था. ग्रैंडमा शोक हर हेड एज इफ टू इरेज अ बैड थॉट. ग्रैंडमा अपने हेड को सुख किए थे, हिलाए थे, क्योंकि उन्होंने ये सब बैड थॉट्स को इरेज करना चाहते थे. टेरेबल थिंग्स हैपेंड इन द कैम्प्स बट देयर वेयर सर्वाइवर्स. देयर वेयर अ फ्यू सर्वाइवर्स. उस कैंप पर जहाँ पर सोल्जर्स ज्यूज को लेके गए थे, उस कैंप पर भयानक भयानक इंसिडेंट हुआ था. मीन्स ज्यूज को उस कैंप पे लेके गए थे, है ना, प्रिजन में डाल दिए थे. उन लोगों के ऊपर बहुत टॉर्चर किया गया था, मारा गया था, बहुत लोग उधर मर गए थे, है ना. देयर वेयर सर्वाइवर्स. उधर सर्वाइवर्स थे. देयर वेयर अ फ्यू सर्वाइवर्स. उधर सर्वाइवर्स थे. सर्वाइवर्स मीन्स जीवित, है ना. ग्रैंडमा शूक हर हेड अगेन. अगेन ग्रैंडमा अपने हेड को हिलाए थे. सी स्टूड अप एंड लीन्ड ऑन द पोर्च रेलिंग. ग्रैंडमा खड़े हो गए थे और पोर्च रेलिंग में लीन किए थे, है ना, झुके थे. इट इज टाइम लाइक दिस, अ स्टिल साइलेंट नाइट विथ yellow stars इन द स्काई दैट सपोज सी इज आउट देयर समवेयर. और डू यू थिंक सो इट इज टाइम्स लाइक दिस. ए टाइम
ऐसे टाइम है, अ स्टिल साइलेंट नाइट, ए स्टिल एक स्टिल साइलेंट नाइट है, विथ योलो स्टार्स इन द स्काई, जहाँ पर योलो स्टार्स स्काई में है, दैट आई रिमेम्बर हर मोस्ट, और इसी टाइम मैं उसको याद करती हूँ. डू यू सपोज सी सर्वाइव्ड, आप सोचते हो क्या वो सर्वाइव की थी. डू यू सपोज सी इज आउट देयर समवेयर, आप सोचते हो क्या वो स्काई में स्टार्स के अंदर है, किसी एक स्टार बन गए हैं. और डू यू थिंक, और आप ऐसे सोचते हो क्या. ग्रैंडमा टर्न्ड एंड ओपन्ड द डोर टू गो इनसाइड, ग्रैंडमा उधर से घूमकर डोर ओपन किए थे अंदर जाने के लिए. सी लुक्ड बैक एट द डार्कनिंग स्काई, उन्होंने फिर उस डार्कनिंग स्काई की तरफ देख रहे थे. योलो स्टार्स मार्था सी सेड, दे बिलोंग इन द स्काई, योलो स्टार्स मार्था भी उधर है जो कि उस स्काई में अभी बिलोंग करते हैं. ओके सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू स्टडी द होल चैप्टर प्रॉपरली, देन वी विल डू द एक्सरसाइज बॉक्स एंड क्वेश्चंस एंड आंसर्स फ्रॉम दिस चैप्टर.